अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़फ़रियात में खुश आमदीद। दोस्तों, 30 दिन में अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस सिलसिले में आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, ये ऐसी बातें हैं जो कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में सुनते रहते हैं। बाज़ लोग हमारे बारे में भी कहते हैं और हम भी बहुत सारे दोस्तों को, दूसरों को इस चीज़ के बारे में लेबल लगाते रहते हैं कि ये पॉजिटिव थिंकर है और ये नेगेटिव थिंकर है। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है, याद रखिएगा, कि आप एक ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। इट्स नॉट ए ड्रीम। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सभी अच्छा है। नो, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आप रियलिटी में रहते हैं, रियल लाइफ में रहते हैं, और इस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस रहती है कि हम एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। अब अगर आपने उसको पॉजिटिव सोचना है तो आपका दिमाग ये सोचना शुरू करेगा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाए, क्या इसमें इनोवेशन की जाए, क्या क्रिएटिविटी की जाए कि इस सिचुएशन को अपने लिए पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दिया जाए। और अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो नेगेटिव में दिमाग हमारा ज़्यादा तेज़ी से चलता है। जनरली ये दिमाग का अपना इनबिल्ट फीचर है, तो आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे, नेगेटिव बातों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और नेगेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो पॉजिटिविटी, याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में रहें, ट्राई टू फाइंड आउट क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि आपने सच को सच देखना ही नहीं है, आपने अपनी दुनिया में मगन हो जाना है और हर चीज़ को आपने अच्छा अच्छा ही समझना। ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि पॉजिटिव थिंकर्स वो लोग होते हैं जो सिचुएशन को अपने लिए बेहतर अंदाज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, और ये चेंज जब आपके अंदर आएगी तो लोग इसको ख़ुद महसूस करेंगे कि अब आपने अपने लिए सॉल्यूशंस निकालने शुरू कर दिए हैं, आपने दिमाग को क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ लगा दिया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी मुसबत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक्शन प्लान दे रहा हूँ वो ये है कि जैसे आप सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे बहुत सारे कॉलर्स को ब्लॉक करते हैं, तो आज से आप ये तहैया करें कि अपने दिमाग में आने वाली हर किस्म की नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको फेस करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके लिए बेहतर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। ये देखें कि इस सिचुएशन को आप अपने फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़फ़रियात के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।